हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे सिंपल लाइनिंग वाला ब्लाउज़ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिंपल लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी तो ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने ले लिया है लाइनिंग का कपड़ा मैंने इसका मैचिंग ये ले लिया है पहले हम लाइनिंग का जो है कपड़े में स्टिच करेंगे नाप मैं आपको बता दूँ तैयार हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है फोर्टीन इंच तीरा है हमारा तेरह इंच का है पर तेरह का नहीं लेंगे हम बारह इंच का लेंगे चेस्ट फोर्टी है कमर थर्टी फोर है और बाजू की लेंथ हमने पाँच इंच की लेनी है तो ये हमारे ब्लाउज का इसमें नाप है तो सबसे पहले लाइनिंग में हम कट करेंगे तो लाइनिंग को पहले मैं खोल लेती हूँ और डबल फोल्ड करके रख लेना है बैक पार्ट ब्लाउज़ का हम पहले कट करेंगे तो उधर हमारी ओपन साइड है और मेरी वाली साइड को इधर ये बंद वाली साइड है तो बंद वाली साइड से ये बैक पार्ट मैं ले रही हूँ हमारी जो ब्लाउज़ की इसमें लंबाई चौदह इंच की है तो मैं पंद्रह इंच जो है यहाँ पे रख रही हूँ आगे का पार्ट हम अलग से फिर बाद में कट करेंगे तो पंद्रह इंच में मैंने यहाँ से निशान लगा लिया और अब यहाँ से हम तीरा लेंगे तो तीरा मैं ले रही हूँ छः इंच का अब मैंने आपको नाप में जो है तेरह इंच का बताया था इसमें बारह इंच का मैं क्यों ले रही हूँ क्योंकि ब्लाउज का जो बैक गला होता है वो डीप होता है तो फिर हमें कम तीरा जो है वो रखना होता है इसलिए इसमें छः इंच का ले रही हूँ सूट में हम डीप गला ज़्यादा अगर नहीं रखते हैं तो आप तीरा जो है यहाँ पे फुल ले सकते हो अगर आप डीप गला लोगे तो आपको तीरा जो है फिर कम हमेशा लेना होता है इससे जो है फिर आपका कंधा जो है वो लटकेगा नहीं तो ये एक टिप्स है अब हम आर्म होल रखेंगे तो साढ़े छः इंच का जो मैं इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ सिर्फ आधा इंच मैंने ये ज़्यादा रखा है इसका आर्म होल का मैंने वीडियो जो है वो शेयर किया हुआ है कि किस तरह से हमें आर्म होल रखना चाहिए अलग अलग जो है आर्म होल का सिस्टम होता है यहाँ पे छः इंच में फिर मार्किंग करके सीधी लाइन पहले ऊपर को ड्रॉ कर लेंगे फिर इस तरह से आगे को मार्किंग हम बढ़ाएंगे यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट तो जितनी आपकी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट जो है हमें लेना होता है जैसे कि अगर आपकी चेस्ट जो है वो थर्टी फोर इंच की है तो एट इंच आपको लेना है इस तरह से फोर्थ पार्ट लेना है आगे को दो इंच का यहाँ पे मार्जिन देंगे दो इंच का मार्जिन इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे डॉट जो है वो आएंगे प्लीट्स आएंगे अब नीचे को कमर हम लेंगे तो कमर में भी देखिए यहाँ पे डॉट आएगा एक इंच का तो हमें जो है यहाँ पे कमर जितनी आपकी फोर्थ पार्ट है उससे एक इंच एक्स्ट्रा रखना है और फिर यहाँ पे भी फिर मार्जिन जो है जितना हमने ऊपर मार्जिन रखा उतना रखना है मार्जिन से मार्जिन को मिलाएंगे जो तैयार नाप है हमारा वो तैयार नाप से मिलाएंगे और यहाँ पे हम डॉट डालेंगे अब हम आर्म होल की गुलाई जो है देंगे डॉट बाद में डालते हैं तो आर्म होल की देखिए इस तरह से हम हाफ़ कर लेंगे और यहाँ से गुलाई देने में आपको जो है फिर आसानी होगी तो यहाँ से अब हम गुलाई दे लेते हैं आधे इंच का ऊपर भी हमें तिरछा मार्किंग यहाँ पे करनी है ये देखिए इस तरह से कंधे से गले की तरफ को अब हम प्लीट्स इसमें डालेंगे तो ऊपर से साढ़े दस इंच में इस तरह से हमें मार्किंग करनी है साढ़े दस में मैंने मार्किंग लगा ली है अब यहाँ से चार इंच का हमने लेना है तो ऐसे करके चार इंच में यहाँ मार्किंग कर लेंगे नीचे कमर में भी चार इंच में हमने मार्किंग करनी है देखिए यहाँ पे चार इंच है तो यहाँ पर भी चार इंच में हम मार्किंग करेंगे आधा इंच हमने उस साइड को लेना है आधा इंच जो है वो इस साइड को लेना है इस तरह से आधा इंच हमने इस साइड से लेना है ऐसे करके जो है प्लेट्स जो है वो डाले जाते हैं तो दूस पीछे वाली साइड को भी ऐसे ही हमने प्लेट्स डाल लेने हैं बैक पार्ट में दो ही प्लेट्स आते हैं और जो फ्रंट पार्ट में फिर हमारे बाकी के प्लेट्स आएंगे यहाँ पर नेक डिज़ाइन हम बना लेंगे यहाँ से मैं ये ढाई इंच ले रही हूँ क्योंकि डीप गला बनाना बना रहे हैं ना हम इसलिए तो ढाई इंच में मैं ये मार्किंग कर रही हूँ नीचे को जितना आप डीप गला जो है वो बनाना चाहो उतना ले सकते हैं तो मैं यहां पे ये यहाँ पर ये साढ़े सात इंच का नीचे को डीप ले रही हूँ यहाँ से मैंने देखिए कम लिया है इधर से ज़्यादा लिया है तो इस तरह से यहाँ पर हमें बैक गले में ब्लाउज़ के बैक गले में इस तरह से जो है मार्किंग की जाती है यहाँ पे गोलाई हम दे लेंगे तो इस तरह से ब्लाउज़ का बैक पार्ट हम कट कर लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट जो है हमारा अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कट करना है ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है बिगनर्स के लिए जो है ये फार्मूले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप बिगनर्स जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो अब देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का वो ओपन साइड से हम आसानी से ले सकते हैं अगर बंद साइड से आप ले लो तो आपको बीच से कट करना पड़ेगा जो हमारा जो गले की साइड को हम इसमें ओपन साइड से ले सकते हैं तो ये देखिए ये मेरा ओपन साइड मैंने ये रख लिया यहाँ पे ये मैं एक इंच की पहले मार्किंग कर रही हूँ ये देखिए सीधी लाइन मैंने कर ली है अब हमें एक इंच और पीछे रख के जो है इसको रखना है तो ऐसे करके हमें देखिए ऐसे रखना है तो यहाँ पर जब हमारा प्लेट्स आएगा तो फिर आपका फ्रंट पार्ट जो है वो छोटा हो सकता है इसलिए नीचे को हमें एक इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है लेना है तो फ्रंट पार्ट में ऐसे एक इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें लेना होता है तो एक इंच मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी ये देखिए मैंने मार्किंग कर लिया यहाँ पर भी आधा इंच जो है हम बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है प्लेट्स जो है वो आता है इसलिए तो आधा इंच मैंने यहाँ पर भी बढ़ा के लिया है तो ये देखिए ऐसे हमने ये कपड़ा भरा के जो है रख लिया है इसको अब हम कट कर लेंगे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट भी अब हमने कट कर लिया है अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और इसका नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले नेक डिज़ाइन बना लेते हैं नेक डिज़ाइन देखिए जो हमने कपड़ा छोड़ा है ना उससे आगे को हमें सेम वैसे ही दो इंच ले लिया यहाँ से और नीचे को जितना आप डीप रखना चाहो उतना रख सकते हो मैंने ये साढ़े पाँच इंच रखा है और अभी देखिए इसमें भी ऐसे हम गोलाई दे लेंगे और इस तरह से नेक डिज़ाइन जो है वो हम कट कर लेंगे अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो यहाँ से देखिए इधर से जो है हमें चार इंच लेना है पीछे से नहीं लेना है जो हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ से नहीं लेना है तो यहाँ से भी चार इंच नीचे को हम साढ़े दस लेंगे इस तरह से तो साढ़े दस इंच में मार्किंग करके फिर यहाँ से भी हमने चार इंच लेना है जैसे हमने बैक पार्ट में हमने प्लेट्स डाली थी ना वैसे ही सेम इसमें भी प्लेट्स जो है ये वाली प्लेट्स सेम ही आएगी देखिए इस तरह से ये अब हमारी प्लेट्स आ गई दूसरी वाली प्लेट्स जो है जो हमारी यहाँ से आएगी तो बीच में हम सवा दो इंच का गैप रखेंगे इस तरह से और आगे को ये वाली प्लेट्स भी हम इसमें बना लेंगे तो देखिए ये वाली प्लेट्स भी अब हमारी एक प्लेट्स हमारी इस साइड को आएगी एक प्लेट्स हमारी उस साइड को आएगी तो गैप यहाँ पे हमें सवा दो इंच का रखना है ये देखिए सवा दो इंच का गैप रख के ये वाली प्लेट्स भी हमारी ऐसे आ गई उधर भी हमने सेम ऐसे ही बना ली तो इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स जो है वो बना के स्टिच कर लेनी है अब हम मेन जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है वो कट करेंगे तो वो हम इसी को रख के जो हमने अस्तर काटा है लाइनिंग काटी है ना तो सेम उसी को रख के वैसे ही सेम टू सेम हमें ये कट कर लेना है बंद वाली साइड देखिए बैक पार्ट जो है कपड़ा हम पहले बंद रखेंगे और फिर इसको इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे और जो हमारा ओपन वाला है फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको सेम वैसे ही कट कर लेंगे तो पहले मैं इसका अस्तर जो है वो कट कर लेती हूँ ये हो गया देखिए इसको साइड में रखेंगे और फिर फ्रंट वाला भी कट कर लेंगे बाजू बचे हुए कपड़े से हम बाजू ले लेंगे डबल फोल्ड करके एक और फोल्ड इसमें देने दे लिया है फोर फोल्ड करके जितनी आपको बाजू की लेंथ लेनी है उतनी ले सकते हो और यहाँ से देखिए भी हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर यहाँ से हम गुलाई देंगे यहाँ पे मूरी रखेंगे और मूरी से जो है ऊपर को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से गुलाई फिर हम दे लेंगे तो सिंपल जैसे आप जो है बाजू कट करते हैं ना वैसे ही इसको कट कर तो बाजू भी अब हमने कट कर लिया है यहाँ पर भी आप लाइनिंग लगा सकते हो अब हमने लाइनिंग को इसके साथ में रख के इसका जो गला है वो भी कट कर लेना है ये देखिए मैं साथ में ही इसके कट कर रही हूँ तो अब देखिए प्लेट्स हमने ऐसे इसमें डाल लेने हैं ये देखिए ऐसे करके हमें प्लेट्स जो है वो स्टिच करने हैं इनमें गांठे जरूर लगानी हैं धागे में ये वो बैक वाला था ये फ्रंट वाला था तो इस तरह से देखिए हमारे प्लेट्स भी स्टिच हो चुके हैं और अब इनके तीरे हम जोड़ेंगे इस तरह से देखिए इसमें तीरे जो है सिलाइयाँ लगा लेंगे और बाजू इसमें लगाएंगे तीरे इनके मैंने स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पे इसके बाजू को हम स्टिच करेंगे ये देखिए इस तरह से बाजुओं में भी अब हम सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए बाजू को भी मैंने इसमें स्टिच कर लिया है और इसमें फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे और जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट उसमें हमें पट्टियाँ लगानी हैं और जो आई और हुक्स जो है वो बना लेंगे गले में उरे पट्टी हम लाइनिंग के कपड़े से लगाएंगे ये देखिए इस तरह से और यहाँ से भी कपड़े को ऐसे हमें फोल्ड करना है यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो और सिलाई भी आप लगा सकते हो तो फाइनल लुक हमारा जो ब्लाउज़ का है इस तरह से आया है इस तरह से ना आप सिंपल सिंपल बेसिक जो स्टेप फॉलो करके आप घर में ही सिंपल ब्लाउज़ आसानी से बना सकते हैं और अगर आपको मेरा यह आइडिया अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बने बेलाइकन के साथ और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय